पाकिस्तान के पेशावर शहर में सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही एक बस में आज शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। वाहन में रखे बम में उस समय विस्फोट हुआ जब बस सरकारी कर्मचारियों को लेकर मर्दान से पेशावर पहुंची। सरकार पठानकोट वायुसेना हवाई ठिकाने पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ जवानों की संख्या कम करने और उन्हें पंजाब एवं जम्मू क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एक बार फिर शाहिद अफरीदी सुर्खियों में छाए हुए हैं, पर इस बार वे पाकिस्तानी विरोधी बयान की वजह से नहीं बल्कि मॉडल अर्शी खान के एक सनसनीखेज बयान की वजह से फेमस हो रहे हैं। अर्शी खान वही भारतीय मॉडल है जिन्होंने पिछली बार एक वीडियो के जरिए शाहिद अफरीदी से अपने प्यार का इजहार किया था और खुद को उनकी बीवी बताया था। इस मामले को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि वे जल्दी शाहिद अफरीदी के बच्चे को जन्म देने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली और बिहार में हार के बाद बीजेपी यहाँ पार्टी को जीत दिलाने के लिए जीतोड़ कोशिश करेगी और इसीलिए सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सभी सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यूपी में सरकार के कामकाज को लेकर सांसदों के रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई सवाल उठाए। गुजरात में इस साल शिवरात्रि से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को एक अलर्ट के जरिए बताया था कि लश्करे तैयबा के कुछ आतंकी समुद्र के रास्ते गुजरात में घुसने में सफल हुए हैं और हाल ही में एक खबर मिली है कि इनमें से 3 आतंकियों को गुजरात सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।